हम सभी को पता है कि साइकोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट साइकोलॉजी से पढ़ना चाहता है, साइकोलॉजी लेना चाहता है, तो ज़रूर ले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है जिससे सभी अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं और इसमें बहुत सारे जॉब्स भी हैं। अगर आप साइकोलॉजी किसी के कहने पे ले रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे तो आप इसे अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तभी आप साइकोलॉजी लेना। साइकोलॉजी में जितने सारे स्कोप है यानी कार्य क्षेत्र है, उतने सारे जॉब्स भी हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कर सकते हो। अगर आपको कानून लॉ में इंटरेस्ट है तो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे साइकोलॉजी के स्कोप हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, जो आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। उस पर मैंने साइकोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, फुल डिटेल में वीडियो बनाई गई है। तो आप ज़रूर जाके देखना और हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको फुल डिटेल मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी के कितने स्कोप होते हैं यानी कार्य क्षेत्र है, जिसमें हम साइकोलॉजी के तीन प्रमुख कार्य क्षेत्र को जानेंगे, जो है टीचिंग, रिसर्च, एप्लीकेशन। और इन तीनों से रिलेटेड कुछ शाखाएं हैं यानी ब्रांच है, जो है एकेडमिक एरिया, एरिया ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, और थर्ड है न्यू इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो इन तीनों को हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इन तीनों के अंदर बहुत सारी मनोविज्ञान है यानी बहुत सारी साइकोलॉजी की ब्रांच है, तो इन सब को हम जानेंगे। तो चलिए हम इन सब को एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम एकेडमिक एरिया को समझते हैं। इस एरिया के अंतर्गत और भी बहुत सारे शाखाएँ यानी ब्रांचेज हैं, जो कि 10 ब्रांचेज है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इन 10 ब्रांचेज को मैं एक एक करके अच्छे से बताऊंगी कि इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, किस तरह से अध्ययन किया जाता है, किस पे अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को समझते हैं, जिसे हिंदी में हम जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब इसके अंतर्गत किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है, जिसमें हम बुद्धि, पेशीय विकास, सांवेगिक विकास, खेल, भाषा विकास, सामाजिक विकास का अध्ययन विकासात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब दूसरा है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, वैसे व्यवहार जिसका प्रयोग करना संभव होता है, जैसे दृष्टि, श्रवण, चिंतन, सीखना, इस तरह के व्यवहार का अध्ययन काफ़ी अधिक किया जाता है। और तीसरा है एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का यह क्षेत्र ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के ही समान है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ मानव का अध्ययन किया जाता है और यहाँ पशुओं पर अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे अध्ययन हो चुके हैं और होते हैं, जैसे चूहों पे, बिल्ली पे, कुत्तों पे, बंदरों और वनवानुस पे। और इस मनोविज्ञान के अंतर्गत ज़्यादातर शोध सीखने की प्रक्रिया तथा व्यवहार के जैविक पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत स्कीनर, गथरी, पेवलव, टॉलमैन आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो अब हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को समझते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों का कार्य क्षेत्र प्राणी के व्यवहारों के दैहिक निर्धारकों तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करना है। इस तरह के दैहिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो जैविक विकास यानी बायोलॉजिकल साइंस से काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसे हम साइकोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो अब हम क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी को समझते हैं। इस मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार को समझने तथा उसका अध्ययन करने के लिए गणितीय, सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक विधियों का विकास करना होता है। तो अब हम साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी को समझते हैं, जिसे हिंदी में हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहते हैं।
व्यक्तित्व मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति तथा व्यक्तित्व के बीच भिन्नता यानी डिफरेंसेस का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम सोशल साइकोलॉजी को समझते हैं, जिसे मनुष्य को एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन किया जाता है और किस तरह सामाजिक पशु अंतःक्रिया करते हैं और एक परिवार या समाज बनकर रहते हैं, यानी इसे हम समाज में रहने वाले व्यक्ति का अध्ययन करते हैं कि वह किस तरह व्यवहार करते हैं और एक दूसरे से मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो अब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को समझते हैं। इस मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रिया जैसे प्रत्यक्षण, चिंतन, सीखना, बुद्धि, स्मृति आदि का अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। तो अब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी असमान मनोविज्ञान को समझते हैं। असमान नाम से ही लग रहा है कि जो समान यानी नॉर्मल नहीं है। इस विज्ञान में वैसे व्यवहार के कारण, लक्षण और प्रकार का अध्ययन किया जाता है जो कुसमायोजित व्यवहार यानी असमान व्यवहार करते हैं। इसका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है और इसके कारण को समझने के लिए व्यक्ति के बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड और सोशल कल्चरल बैकग्राउंड का भी अध्ययन किया जाता है। तो अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान को समझते हैं, जो कि एकेडमिक एरिया का लास्ट ब्रांच है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें मनोवैज्ञानिकों की सक्रियता काफ़ी अधिक पाई गई है, जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि बच्चों की शैक्षिक निष्पादन किस तरह हो रही है और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह और भी डेवलप करें जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता काफ़ी हो और उसका मनोबल भी काफ़ी बढ़े। अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी को शॉर्टली समझें तो इस क्षेत्र में छात्रों में सीखने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं तीन एरिया के बारे में बताऊंगी, तीन ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने इसमें बस एकेडमिक एरिया की बात की है। अगली दो ब्रांच जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप सब समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, कौन कौन से ब्रांच होते हैं, यानी साइकोलॉजी का कितना स्कोप होता है, कार्यक्षेत्र होता है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो ले लेते हैं लेकिन उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता कि इनका स्कोप क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो मैंने पहले भी बताया कि साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप ज़रूर जाके देखिए, वो आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, तो मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।